गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। परिषद के महानगर महामंत्री सौरभ कुमार गौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि CNC छात्रावास में शौचालय एवं पेयजल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शौचालय का भवन जर्जर हो चुका है और साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है एवं पेयजल की व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने कहा, सौरभ कुमार गौड़ महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अभी पिछले सप्ताह भी हम लोग आए थे और विश्वविद्यालय छात्रावास में वाटर कूलर की बात हुई थी, स्वच्छता की बात हुई थी। एक हफ्ता बीत गया, उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आज स्थिति ऐसी है कि NC हॉस्टल में 2 वाटर कूलर लगा हुआ है, विद्यार्थी उसमें पूरे भरे पड़े हैं और दोनों वाटर कूलर की स्थिति ये है कि एक वाटर कूलर से पानी आ रहा है और वह भी जो है उबलता हुआ पानी आ रहा है और एक वाटर कूलर पूरी तरह से बंद है। यही स्थिति विवेकानंद छात्रावास की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद छात्रावास में जो वाटर कूलर लगा हुआ है उससे पानी इतना धीरे आता है कि घंटों जो है विद्यार्थी लाइन लगाए रहते हैं और एक बॉटल 2 लीटर का बॉटल का पानी भरने में कम से कम 15 से 16 मिनट लगता है। इसका दौरा स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कर चुके हैं और उन सब सभी परेशानी से अवगत हैं। आज भी देखिए कुलपति जी अपने ऑफिस में नहीं है और ये समस्या नई नहीं है। जब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आते हैं, कुलपति जी से मिलना चाहते हैं या किसी अन्य प्राधिकारी से मिलना चाहते हैं, वो लोग अनुपस्थित होते हैं। ये मांग ये है कि कब तक वाटर कूलर सही हो जाएगा, कब तक शौचालय स्वच्छ हो जाएगा। जो भी समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में या छात्रावास में विद्यार्थी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे कुलपति जी को संज्ञान में लेके और जल्द से जल्द सही करवाना होगा। अगर नहीं होगा तो अगर विद्यार्थी परिषद कोई भी कदम उठाती है तो निश्चित तौर पे उसके जिम्मेदार स्वयं कुलपति जी को होना पड़ेगा, स्वयं कुलपति जी उसके जिम्मेदार होंगे।